अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दें, अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम फैमिली को खुश आबाद रखे। और आज एक नई और प्यारी सी सुबह का आगाज शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह आज जो भी डेली की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी तो आज जुम्मा है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को जुम्मा मुबारक। तो अभी बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया, तो मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ और बच्चों को स्कूल छोड़ना है, तो उसके बाद जो भी रूटीन होगी वो शेयर करूंगा। चले ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आता हूँ। तो आपने क्या करना है? अलमारी में। चलो ठीक है, तो मैं नाश्ता भी लेके आऊँगा और बस आप अभी तो सामान सेट नहीं करो, अभी सुबह सुबह का टाइम है, सही है? तो जैसे मैं आऊँगा तो फिर मिल के करेंगे। और वो भी लेना है ना घर का सामान, किचन का। मैं बच्चों को छोड़ के आता हूँ तो फिर चलेंगे। ठीक है, स्टोर भी खुल जाएगा और फिर साथ चलेंगे। चलें जी, तो मैं निकलता हूँ। चलो डोर लॉक कर दो। बिस्मिल्लाह। अरे बाहर तो बारिश हो रही है, ये देखें कितना प्यारा मौसम बना हुआ है। आसमान पर अभी भी बादल छाए हुए हैं और कल ठंड थी ना, इस वजह से कोई बारिश भी हो गई। चलो बारिश एंजॉय करो। और देखें तो सही, इतना ज़्यादा बारिश हो रही है सुबह के टाइम में, अब बच्चे पता नहीं कैसे स्कूल जाएंगे। चलो घर तो चलता हूँ और देखता हूँ कि क्या पोजीशन है घर की, और बच्चे अभी तक उठे हैं नहीं उठे। वैसे तकरीबन अभी 6:30 का टाइम है, बच्चे तकरीबन 7 बजे ही उठते हैं। और देखें तो सही कितना ज़्यादा बारिश हो रही है, स्क्रीन पर देखें, ये देखें। और इतना प्यारा मौसम हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा। और अब जो मीटअप का प्रोग्राम रखा हुआ है, अल्लाह खैर करे कि खैर वाफियत से हो जाए, बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, अब पता नहीं कब रुकता है। तो चलें जी, मैं घर पहुंच गया हूं और बारिश अभी तक नहीं रुकी। तो अनीता आई थी डोर ओपन करने के लिए, और ये लाइटें बंद नहीं करते आप लोग क्या? सारी लाइटें चली हुई हैं, ये देखे। चलो अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और बाहर तो बारिश हो रही है, हाँ आपको पता है? Yes. नहीं पता? Yes. देखो बहुत ज्यादा। कब देखा? देखा नहीं, अनीता पे नहीं। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। आयत भाईजान, इस बॉक्स के अंदर ना ये मलाई जो है बंद करके रखी हुई है, और नबीता जो है इसको लेग मार रहे हैं, खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो पर इससे खोल नहीं रहा। क्या खाना है आपने? हाँ ये देखें नबीता क्या कर रहे हो, ये देखो कैसा शरारती हो गया। बस करो बस करो, आपसे नहीं खुलेगा। मुस्तफा बारिश चेक करो, मुस्तफा कितना ज्यादा हो रही है, ये देखो। अभी हमें स्कूल तक कैसे जाना है? चल के जाना है आप सबने। यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं है, इस्लामाबाद के मौसम का। हाँ कभी भी बारिश हो सकती है, कभी बारिश कभी सर्दी। अभी तो फिलहाल मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बारिश का मौसम आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। नहाना है बारिश में? बाहर तो बाद में। अच्छा ठीक है, स्कूल की छुट्टी के बाद ना अगर बारिश होगी तो फिर आप नहा लेना। ओके ठीक है। ये बैलून भी साथ लेके जाना है? और बाहर इतना ज्यादा तेज बारिश है, मैं बच्चों को अंदर स्कूल छोड़ने गया हूँ तो मेरे कपड़े भीग गए हैं, ये देखें। और अभी बारिश देखें कितना ज्यादा तेज हो गई है, रुकने की बजाय मजीद तेज हो गई है। जल्दी से अंदर चलते हैं, और बाहर बारिश हो रही है। आपने बारिश का मजा नहीं लिया? हाँ, और मैट भी नहीं है, ये तो गंदा हो जाएगा अंदर फर्श। शूज यहीं पर उतार देते हैं। तो बस अभी थोड़ी देर के बाद निकलेंगे और घर का जो सामान है वो लाना है, मैट खासतौर पर ये लाने, और किचन का सामान जो है वो लाना है, बाकी सामान तो ऐसा ऐसा आता रहेगा। तो अभी हम थोड़ा सा झाड़न पोछन कर रहे हैं किचन के,
किचन को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, उसके बाद जो है सामान की सेटिंग करेंगे। और ये वाला स्लेप ना बड़ा वाला, ये काट के यहाँ पर रखा हुआ था, इसकी इन्होंने कटिंग की हुई थी, तो ये शीट जो है ये भी कट करके रखी हुई थी। अब इस शीट को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, तो अब ये चूल्हा जो है यहाँ पर लगाते हैं। तो सुबह सुबह पूरे घर की सफाई सुथराई हो गई है और अब जो है किचन की सेटिंग हो रही है। और चूल्हा तो यहाँ पर लगा दिया, अब इसका पाइप लगाना है। तो चूल्हे और पाइप लगाने के लिए ना इस शीट के अंदर सुराख करना पड़ेगा, ताकि पाइप जो है ना नीचे से निकल के इसके अंदर लग सके। तो किचन की सेटिंग जो है वो अभी से स्टार्ट हो गई है। तो ग्लास जग और बाकी मसाले वसाले बस थोड़ी देर में देखेंगे कि कौन से दराज में रखने हैं, इसमें रखने हैं, इसमें रखने हैं, या वो नीचे दराज भी है और ये वाले भी हैं। और अभी फ़िलहाल सामान जो है बॉक्स से निकाल कर यहाँ रखा जा रहा है। तो मैंने चूल्हे और सिलेंडर की ऐसी सेटिंग की है कि कोई ऐसा कर भी नहीं सकता। ये देखें किस तरीके से मैं पैप ऊपर लेके गया हूँ, और ये देखें ये चूल्हे के नीचे से निकल रहा है और बिल्कुल A1 कर दिया इसको। अब इसको चलाते हैं, और ये ऑटोमेटिक चूल्हा है, इसमें माचिस का कोई काम नहीं है। चलें जी इसको ओपन करते हैं, गैस को ओपन हो गई है, और अब चूल्हा चलाते हैं। और न्यू चूल्हा लाए थे, ये पता नहीं चल ही नहीं रहा, ख़राब है क्या है, तो अभी जाके मैं इसकी कंप्लेंट भी करता हूँ। चलें जी किचन की थोड़ी बहुत सेटिंग हो गई, अभी चलते हैं स्टोर पर और वहाँ से सामान लेके आते हैं। आज बच्चों के स्कूल की जल्दी छुट्टी होगी क्योंकि आज जुम्मा है, अभी जल्दी से जाकर स्टोर वाला जो काम है वो करके आते हैं, फिर मैंने बच्चों को स्कूल से भी लेने के लिए जाना है। बारिश अभी तक नहीं रुकी, और ये देखें ये बारिश इतना ज़्यादा है, आप रोड देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बारिश हो रही है। गाँव में इतना ज़्यादा सर्दी नहीं थी जितना यहाँ पर है। तो चलो जी अभी चलते हैं स्टोर पर और सामान लेकर आते हैं, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलो जी घर पहुंच गए हैं, और मेरी वाइफ कौसर का घर से फ़ोन आ गया है, तो वो फ़ोन सुन रही हैं। तो बस अभी चलते हैं अंदर ना, जल्दी 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 भाग के आओ, भाग के आओ, भाग के आओ, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, जल्दी 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 जल्दी, इतना भी जल्दी नहीं कहीं स्लिप ना हो जाए, आराम आराम से, आराम से अब यहाँ से आराम से गुजरो। और सामने वालों का दूध वाला आ गया, अभी तक हमारा नहीं पहुंचा। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन जाग रहा है, कौन कौन सोया हुआ है। लगता है सर्दी की वजह से सब सो गए हैं दोबारा से। तो चलें जी नाश्ता जो है रेडी हो के आ चुका है, तो अभी करते हैं नाश्ता। चलें आ जाए, आ जाए अम्मा, आ जाए, आ जाए आप भी। हाय बस मैं देर से खाऊंगी। क्यों? अभी गोली नहीं खाई मैंने। अच्छा आपने गोली खा ली नाश्ते के बाद? आज लेके आई, कल भूल गई थी ना, आज यार आज रात को ही इसने पर्स में रख दी थी। चलें बिस्मिल्लाह कर, मैं भी थोड़ा सा नाश्ता कर लेता। तो काफ़ी टाइम बारिश का वेट किया कि बारिश रुक जाए रुक जाए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं है। बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए, अभी हम जाते हैं, बस टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो बस मैं और मेरी वाइफ को सर जाए वो चलते हैं स्टोर पर और सामान लेके आते हैं। कल भी ऐसे डिले हो गया, टाइम ज़ाया हो गया, और आज जो है आज टाइम वेस्ट नहीं करना, तो सामान लेके आते हैं। और बच्चे लाइन में सोए हुए हैं, ये देखें तैयबा भी, आयत भी स्कूल से आए हैं, खाना खाया, तो अभी यहाँ पर लेटे हुए हैं, कार्टून देख रहे हैं। चलें आप रेडी हो? हाँ चलो आ जाओ जल्दी से, चलने चलते हैं बाहर। अभी जाकर थोड़ा सा बारिश रुकी है, अब जल्दी से बस सामान लेके आते हैं। और कल जो फ्लावर लाए थे ये देखें, इस गमले में लगे हैं, ये वाले तो पहले वाले हैं, और यहाँ पर भी ये वाला फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है, और इस बास्केट में भी, और ऊपर भी रखे हुए हैं, और इस लाइन में भी लगे हुए हैं, ये देखें। तो माशाल्लाह हमारा गार्डन अच्छा हो गया। जल्दी से आए फिर दोबारा बारिश ना शुरू हो जाए, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठें। चलो चलो बैठो, ये मेरी जैकेट है, इसको सीट के ऊपर खड़ा कर दो, आप बैठें। चलो जी सामने सुपरमार्केट पहुंच गए हैं, अब अंदर चलते हैं और सामान लेके आते हैं। तो सामान जो है अभी दोनों घरों का लेना है, अब दो घर हो गए हैं ऐसे। चलो अंदर चलते हैं, और दो ट्रालियाँ हमें लेनी पड़ेंगी, एक मेरी वाइफ कौसर को, एक मुझे, एक फर्स्ट घर के लिए राशन लेना है और एक जो है सेकंड घर के लिए राशन। तो अभी ना मुझे दो घरों के लिए राशन लेना पड़ेगा, एक फर्स्ट घर के लिए, एक सेकंड घर के लिए। हम दोनों साथ आए हैं, मेरी वाइफ कौसर और हम, मैं। तो अभी अंदर चलते हैं, और अंदर से हमने दो ट्रालियां पकड़नी है, और दोनों ट्रालियों में अलग अलग राशन रखने हैं। इस लाइन में सारे शैम्पू हैं, आपने कौन सा लेना है? ब्लैक सनसिल्क। चलो और भी हैं, और पिंक भी है, और ये गोल्डन वाला भी है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सामान है, ये देखें ये क्या है, कितना सॉफ्ट टॉय है,
अच्छे हैं ना। इस लाइन में बेयर देखें कितना ज़्यादा आए हुए हैं, और हैं भी प्यारे और सॉफ्ट। और बर्तन का स्टैंड भी लेना है, जैसे बर्तन वाश करके सुखाने के लिए रखते हैं, और ये भी काफ़ी प्यारा है। और जब मैं और सितारा आए थे उस टाइम इतना प्लास्टिक के सामान जो है ना नहीं आए हुए थे, अभी देखें ये पूरा भरा हुआ है। और ये भी प्लास्टिक के काफ़ी प्यारे बोल आए हुए हैं। आपको जो भी चीज़ चाहिए अभी ले लें, ठीक है ना। आपने पूरी शॉप को लूट लें, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। हाँ, इतना ज़्यादा शॉपिंग की है ये देखिए, चार ट्राली हमारी फुल हुई है। अभी सामान लेकर जा रहे हैं गाड़ी के पास, सामान देखें कितना ज़्यादा हो गया, और अभी भी सामान आ रहा है पीछे, और अभी भी लड़के सामान लेकर आएंगे। तो सामान से गाड़ी फुल हो गया, अब इसका ट्रंक बंद करना है। अब देखो ट्रंक बंद होता है या नहीं होता। आपने पूरे स्टोर को लूट लिया, हाँ, इतना सारा सामान ले लिया आपने, अभी और भी मजीद रहता है सामान। मेरे दिल से पूछे कि क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा सामान ले लिया। ये देखे पूरी गाड़ी भरी हुई है, और अभी भी सामान लेना है घर के लिए। तो अभी घर के लिए जो राशन लाया हूँ वो निकाल लेता हूँ। ये थैला है और घी है। चलेंगे मेरी वाइफ सितारा और अम्मा ने सामान देख लिया है, अभी जा रहा हूँ मैं घर सामान छोड़ने के लिए। तो फिर मैं वापस आऊँगा अपनी वाइफ कौसर को लेने के लिए। अभी भी बादल जाने का नाम ही नहीं ले रहे, ये देखें, हो सकता है रात को दोबारा से बारिश आ जाए। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। चलो जी घर आ गया हूँ, और अंदर लाइटें ऑन करता हूँ, तो फिर सामान अंदर रखता हूँ। अंदर चल के ना लाइटें ऑन करता हूँ सबसे पहले। चलें जी, तो लाइट ऑन कर दी। अब सारा सामान जो है ना यहीं पर रख देते हैं, तो फिर मेरी वाइफ कौसर आएगी तो वो किचन के अंदर सेट करेगी। फिलहाल इस तरीके से सामान रखा हुआ है, अभी इसकी सेटिंग मजीद करनी है। अभी गाड़ी से एक एक करके सामान निकालता हूँ, क्योंकि इतना सारा सामान है तो एक एक चीज़ मुझे उठा के अंदर रखनी पड़ेगी। गाड़ी से सारा सामान निकाल कर इस तरीके से रख दिया है, तो बस अभी लाइटें ऑफ करता हूँ, और बच्चों की छुट्टी का टाइम भी हो गया तो बस अभी चलता हूँ, जल्दी से बच्चों को लेके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आ गए हो, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। क्या हुआ, नींद आ गई थी क्या? बहुत ज्यादा आ रही थी, मुंह धोया फिर मैं वापस लगना शुरू हो गया। चलो टाइम से सो जाया करो जी। सारे काम जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, और अभी सरप्राइज का टाइम आ गया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ बेकरी से केक लेने के लिए, और केक के साथ पार्टी बम्पर और कैंडल्स वगैरह और बैलून ये भी सब लेने हैं। तो बस अभी मैं चलता हूँ, बच्चों को मैंने घर छोड़ दिया है, तो ये सामान लेके आता हूँ। अभी मैंने किसी को घर में नहीं बताया कि आज मेरी बर्थडे है जी। तो मैं मार्केट तो पहुँच गया हूँ, और बाहर बारिश है। अब बाहर निकल के देखता हूँ कि क्या सीन है बाहर, क्योंकि बारिश जो है वो काफ़ी अभी तेज़ हो गई। गाड़ी से निकल कर ना वो सामने जाना है, वो बेकरी है, तो शीशे पे ना बारिश का पानी इस वजह से सामने दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर केक जो है काफ़ी वैरायटी के पड़े हुए हैं, अब इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा केक बर्थडे के लिए अच्छा है, और इसके ऊपर नाम भी लिखवाना है, और अपने बर्थडे केक पर बर्थडे और ईयर्स मेंशन करवा रहा हूँ। तो मैंने केक और बर्थडे का सामान जो है वो ले लिया है, और अभी तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो बच्चों आपको पता है कि आज क्या सरप्राइज है? क्या सरप्राइज है आपको पता है? नहीं पता। तैबा, तैबा आपको पता है कि आज क्या सरप्राइज है? क्या आपको भी पता नहीं है? आपको भी पता नहीं है? अब अंदर जाके मैं पूछता हूँ कि किसको पता है सरप्राइज का। किचन में आ गया, और दोनों मेरी वाइफ और मेरी सास भी खड़ी हैं, तो अब मैं इनसे पूछता हूँ कि आज का जो सरप्राइज है वो क्या है, आप बताएं। अभी मैं सरप्राइज देने वाला हूँ, आपको पता है क्या है? नहीं, आपको नहीं पता? अम्मा जी आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं पता नहीं। किसी को भी घर में पता नहीं है आपको? मुझे भी नहीं, बाबर तो नहीं है। मैं वही बात कर रही हूँ, बाबर को क्या सरप्राइज? घर में किसी को भी पता नहीं है, जब मैं सरप्राइज दूंगा तो फिर इनको पता चलेगा। क्यों इतना ये खुश होंगे ना? बहुत ज्यादा, बस बहुत बड़ा सरप्राइज है जो घर में किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ मेरे अलावा। बस थोड़ी देर में वो आ रहा। नहीं नहीं, बाबर को तो सबको पता है। अच्छा। मैंने टेबल पर केक सजा दिया है, और सामने देखें हैप्पी बर्थडे और बैलून वगैरह सब फैला दिए हैं, और अभी तक भी घर वालों को किसी को भी पता नहीं है कि आज घर में कौन सी सेलिब्रेशन हो रही है, कौन सी बर्थडे हो रही है, कौन सा कुछ हो रहा है, किसी को भी कोई मालूमात नहीं है। कभी कहते हैं कोई आ रहा है, कभी कहते हैं कौन आ रहा है, किसको लेने जा रहे हो, तो सबके जहन में यही चीज़ें चल रही हैं कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। तो किसी को भी पता नहीं है कि आज मेरी बर्थडे है 39। ये मैं केक लेके आया हूँ, और इसके ऊपर मैंने ये मेंशन करवाया
39 हैप्पी बर्थडे साजिद अमीन। केक के ऊपर एक स्पार्क कैंडल लगानी है, जैसे ऐसे चलेगी जैसे आतिशबाजी हो रही हो किसी शादी हॉल में। तो ये समा देखने वाला है, अभी जाके दोनों वाइफ को और सास को लेके आता हूँ, उनकी आंखें बंद करवा के लेके आऊँगा और यहीं पर आके वो अपनी आंखें खोलेंगी और देखेंगी कि आज किसकी बर्थडे है। तो ये सब चीज़ें मेरे व्लॉग में देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर स्पार्क कैंडल जो है वो लगा दी है केक पर, तो अभी छुरी लेके आनी है और माचिस भी। और ये देखें कितना प्यारा और खूबसूरत डेकोरेट किया है। तो अम्मा इंतज़ार की घड़ियाँ जो है वो ख़त्म हो गई हैं, तो सब चीज़ रेडी है। तो अभी आप सब चलें और आप सब के लिए सरप्राइज जो है रेडी है। कहाँ चलें? घर के अंदर ही है। अच्छा, हम इधर बैठे हैं, आप आपके साथ चलें? नहीं नहीं, मेरे साथ जाना पड़ेगा, अपनी आँख अपनी आँखें बंद करके। अच्छा, आ जाओ। पहली बार ऐसा हो रहा है ना, पहली बार ऐसा हो रहा है ना। देखें आज क्या तरीक है। फर्स्ट मार्च है, ये याद था बर्थडे थी। ओ, ये तो फिर हम सरप्राइज देते हैं। पीछे तो देखो इतना अच्छा बना हुआ है, दिखाओ जरा इसके पास से। कैसा लगा मेरा सरप्राइज सबको? आज देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसका बर्थडे था उसी ने हमें सरप्राइज दिया है। थोड़ा सा अपने पापा को आया, खिलाओ टिपा, अपने पापा को खिलाओ। पापा पूछ रहे हैं, आप भी खिलाओ अपने पापा को। थैंक यू। यही वाले पापा को खिला दो। चलो मैं तो जा रही हूँ। हम भी कहाँ जा रही हैं? नीचे बस, मैं भी खिला लूँ ना आपको। ये आपको आपकी सालगिरह मुबारक, हजारों साल आप ऐसे जियो और आगे आपकी बर्थडे हम क्या करेंगे। हाँ चले। जो है घर वालों को मैंने सरप्राइज दिया था और घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज क्या चीज़ हो रही है घर में, क्योंकि आज तक मैंने अपनी सालगिरह नहीं की, बर्थडे कोई भी नहीं की। तो घर वालों को भी पता नहीं था कि मेरी सालगिरह जो है बर्थडे वो कब आती है, किसी को भी कुछ नहीं था। और मैं बस गया, केक लाया और बैलून वगैरह ये सब चीज़ें एक रूम में अलग से बैठ के सब चीज़ें करके, तो फिर मैं सबकी आइज़ वगैरह क्लोज़ करा के सबकी आँखें जो बंद करके फिर ऊपर ले गया। और सबकी आँखें जब खुली तो फिर उनको पता चला कि आज जो है बच्चों को पता चला कि मेरे हमारे पापा की बर्थडे है। और मेरी दोनों वाइफ को भी पता चला बाद में कि आज हमारे हस्बैंड की जो है बर्थडे है। और मेरी सास को भी पता चला कि आज मेरे दामाद की बर्थडे है। तो ये रहा आज का सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी अपने अख्ताम को पहुंची है जी। तो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलूंगा कल। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।